नागपुर कानून के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और इस शहर ने सुप्रीम कोर्ट को कई जज दिए हैं, इसलिए नागपुर के लिए अति महत्वाकांक्षी महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भवन के निर्माण की गति के अनुसार इस कार्य के लिए तत्काल आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जाए। नितिन राउत ने संबंधित विभाग के सचिव को सौंपा ज्ञापन। पालक मंत्री महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पहले चरण के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पीआर गवई, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसबी वीनस, जस्टिस एएस चंदूरकर, न्यायमूर्ति अनिल किलोर, विधि विश्वविद्यालय के प्रधान प्राध्यापक सहित लोक निर्माण एवं विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक से पहले संरक्षक मंत्री डॉ. राउत ने उपस्थित न्यायाधीशों के साथ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस निर्माण की प्रगति के बारे में डॉक्टर राउत ने संतोष व्यक्त किया। इस समय संरक्षक मंत्री द्वारा वृक्षारोपण किया गया। लॉ बुकलेट सीएलआर का विमोचन गार्जियन मिनिस्टर द्वारा विश्वविद्यालय में नव नियुक्त प्रोफेसरों का परिचय कराते हुए किया गया। बैठक की शुरुआत में डॉक्टर राउत ने प्रमुख सचिव विकास रस्तोगी से विधि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए अब तक स्वीकृत धनराशि की विस्तृत जानकारी मांगी। रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार ने 2018 में लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चूंकि विधि विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इसलिए इस विश्वविद्यालय के लिए धन उपलब्ध कराने में उदार होने की आवश्यकता है। विधि विश्वविद्यालय को तत्काल राशि जारी करने की मांग आर गवई ने की है। निकट भविष्य में विश्वविद्यालय को पूरी तरह से चालू करने के लिए संरक्षक मंत्री ने प्रमुख सचिव को निर्माण की प्रगति और धनराशि की स्वीकृति के समन्वय के निर्देश दिए। यद्यपि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए तकनीकी रूप से 29 करोड़ 29 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति के बाद इसे 5 करोड़ रुपए कम कर दिया गया, इसलिए अभिभावक मंत्री ने जिला वार्षिक योजना से तत्काल 5 करोड़ रुपए देने के निर्देश दिए। अभिभावक मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव को आगामी बजट में राशि स्वीकृत कराने के लिए वर्ष के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।